फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी के इस क्लास में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे और फ्रेंड्स, मेनूज ऑफ एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के जो नाइन मेनूज होते हैं और फ्रेंड्स, इन सभी मेनूज के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या होते हैं वो नाइन मेनूज वर्ड में और क्या भूमिका निभाते हैं वर्ड में। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, मेनूज ऑफ एमएस वर्ड। जिनका यूज करके हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। सभी मेनूज पर एक बार में अरेंज व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें मेनूज बार भी कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से नाइन पुल डाउन मेनूज ये होते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, इसमें इस तरह से इसमें पूरे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नाइन मेनूज होते हैं फ्रेंड्स एमएस वर्ड में, जिसे मेन्यू बार कहते हैं। प्रत्येक मेन्यू में एक कैरेक्टर अंडरलाइन होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, ये सॉरी ये न्यू वर्जन ही मेरे पास ओपन हो गया है। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ डियर फ्रेंड्स, किस तरह से नाइन मेन्यू काम करते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें ये प्रत्येक कैरेक्टर के नीचे एक अंडरलाइन कैरेक्टर होता है। आप देख लीजिए, इसमें देखिए फाइल किया जाता है।